अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, पीपी बना महामंडलेश्वर, जेल में ली सन्यास की दीक्षा। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का साथी पीपी उर्फ प्रकाश पांडे अब पीपी से श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बन गया है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हत्या, फिरौती सहित तमाम आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले प्रकाश पांडे ने अब संन्यास ले लिया है और अब वो पीपी से प्रकाशानंद गिरी बन गया है। पीपी ने अपने जीवन में दर्जनों कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सहित कई अन्य पाप किए थे। अनेक नेताओं की हत्या, फिरौती सहित तमाम आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद वो देश छोड़कर फरार हो गया था। साल 2010 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने पीपी को वियतनाम से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे उत्तराखंड की अलग अलग जेलों में रखा गया। अब भी वो अल्मोड़ा की जेल में बंद है और अब खबर आ रही है कि उसने जेल में संन्यास ले लिया है। आखिर कैसे महामंडलेश्वर बना अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, चलिए जानते हैं। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद पीपी ने नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत में अवैध शराब लीजा तस्करी की थी। इस काम में उसकी कमाई बढ़ी तो उसने डॉन बनने की सोची, जिसके बाद वो मुंबई चला गया। मुंबई में प्रकाश पांडे और पीपी की मुलाकात छोटा राजन से हुई और उसने डॉन बनने का सफर शुरू कर दिया। देखते ही देखते पीपी छोटा राजन का सबसे खास गुर्गा बन गया। जब छोटा राजन और दाऊद की दोस्ती टूटी तो पीपी को दाऊद को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दी गई। पीपी दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान तक पहुंच गया था। दाऊद को पीपी की खबर मिल गई, दाऊद बच गया। लेकिन इधर पीपी का नाम बड़ा हो गया, कद बढ़ा तो पीपी ने छोटा राजन का साथ भी छोड़ दिया और फिर फिरौती, वसूली और हत्या जैसे अपराध इसके लिए आम बात हो गई। लेकिन पीपी उर्फ प्रकाश पांडे सुर्खियों में आया साल 2007 में। शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम की बम्पर कमाई के बाद रंगदारी के लिए फोन किया। एक सुपरस्टार से रंगदारी मांगने के बाद वो नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आ गया और ये नाम अंडरवर्ल्ड में स्थापित हो गया। अपराध की दुनिया में उसका नाम तब और भी कुख्यात हो गया जब दिल्ली क्राइम ब्रांच के ACP राजबीर सिंह की उसने दिन दहाड़े हत्या कर दी। पीपी इसके बाद देश छोड़कर वियतनाम में बस गया। यहाँ वो कहने को तो मसालों का कारोबार करने लगा, लेकिन वियतनाम में बैठकर मुंबई में अंडरवर्ल्ड को ऑपरेट करने लगा। लेकिन साल 2010 में पीपी को वियतनाम से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद वो उत्तराखंड की जेलों में बंद है। डॉन से महामंडलेश्वर कैसे बना पीपी? गुरुवार को श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार के कुछ साधु संत अल्मोड़ा जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को संन्यास की दीक्षा दी और उसे जूना अखाड़ा का उत्तराधिकारी बना दिया। प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को अब प्रकाशानंद गिरी नाम दिया गया है। देखो कहना क्या है, उन्होंने दीक्षा ली है, उनकी इच्छा थी कि धार्मिक क्षेत्र में जाया जाए और धार्मिक भावनाएं लाई जाए कि जो अंदर और भी हैं उनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिले, एक सीख मिली और उनकी इच्छा थी कि धारणा थी अंदर से कि हमको दीक्षा दी जाए। तो हमने श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की ओर से उनको अभी दीक्षा दी गई है। आगे जो भी कार्रवाई होगी, कुंभ नज़दीक में 2025 प्रयागराज कुंभ आ रहा है, तो वहाँ उनको देखा जाएगा कि आगे जो भी आगे की प्रतिक्रियाएँ आगे करी जाएंगी। प्रकाश पांडे को गंगोत्री भैरव मंदिर, गंगोली हाट के लंबकेश्वर मंदिर, महादेव मुनस्यारी में कालिका माता मंदिर, काली मुनि मंदिर का मुख्य महंत बनाया गया है। इसके साथ ही उसे श्री पंच दशनामा जूना अखाड़े का उत्तराधिकारी भी बनाया गया है। पीपी एक बार पहले जेल से भाग चुका है, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कहीं ये अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन की जेल से भागने की कोई अगली चाल तो नहीं। अल्मोड़ा से पंजाब केसरी टीवी के लिए निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।